हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अनदर ब्लॉग में, रामगढ़ देसी ब्लॉग में। और गाइस, अभी मैं सारू बेड़ा आराकटा के समीप कोयलांचल क्षेत्र के समीप एक सरना स्थल के पास मौजूद हूँ। और गाइस, हर बृहस्पतिवार के दिन यहाँ सरना देवी का पूजा बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस विधि के साथ यहाँ पूजा और अर्चना किया जाता है। और अभी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे लोटे और पूजा की सामग्री, फल वगैरह रखा गया है। और अभी दाढ़ी जाया जाएगा। दाढ़ी जाने के बाद वाहन जी बताएंगे कि वहां क्या विधि के साथ अर्चना, पूजा अर्चना किया जाता है, वो आगे हम जानेंगे। लेकिन अभी शुरुआती में ये प्रार्थना कर रहे हैं माँ सरना की। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है। और एक आस्था का एक केंद्र बिंदु है सारू बेड़ा, कुज्जू कोयलांचल क्षेत्र। दूर दूर से लोग आते हैं, रांची, पटना, कोलकाता, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गाइस। और सभी की मन्नतें यहाँ पूरी होती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आज इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा मैं। और जहां भी जरूरत पड़ेगा, पहान जी हमारी मदद करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम लोग यहाँ से सामान सजाए हैं पूजा का, और जितना भी दूर दराज से माँ बहन लोग आए हैं, और यहाँ से प्रार्थना विनती करते हैं चला धर्मे से कि जो भी दुखिया आए हैं आज आपके चरण में, कोई भी समस्या के लिए आए हैं, आते हैं, सबको दुख को दूर कीजिए और खुशी को दीजिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं दाढ़ी को, वहाँ से जो जल प्रवचन करके जल उठाएंगे, वहाँ भी पूजा पाठ करेंगे, पंथा विनती करके, और झंडा जिनका है झंडा हुआ देंगे। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर सरना आएंगे, यहाँ पर परिक्रमा होगा, प्रार्थना विनती होगा। जिनका झंडा है वो झंडा यहाँ दिया जाएगा, और एक गुमद जो है वहाँ पर देंगे, और बारी बारी से सब जो यहाँ पर पूजा करेंगे। तो हम लोग अब दाढ़ी की ओर जा रहे हैं जल लाने के लिए। चलो, जय धाम चलो। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दाढ़ी के लिए श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो निकल चुका है कुज्जू कोयलांचल क्षेत्र के सरना स्थल से। और अभी दाढ़ी की ओर लोग प्रस्थान कर रहे हैं सभी श्रद्धालुगण। और बहुत ही आस्था का एक केंद्र बिंदु रहा है यह सरना स्थल। हर बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पूजा अर्चना बहुत ही प्रेम और उल्लास के साथ किया जाता है, लोगों की मुरादें पूरी होती है, और इसी उम्मीद से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूं, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कि कुज्जू कोयलांचल क्षेत्र के समीप सारू बेड़ा का सरना स्थल है गाइस। और अभी बहुत सारे लोटे आप देखे होंगे, लोटे में अभी वहां से पानी लाया जाएगा दाढ़ी से, और उसका भी कुछ मान्यता है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जंगलों के बीचों बीच, खेतों के इर्द गिर्द आपको बहुत सारे पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई दे रहा होगा गाइस। और अब हम लोग चलेंगे दाढ़ी की ओर, और वहां जानेंगे पहान बाबा सरना माता के इस पूजा विधि को किस रूप में आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा था, जो प्रार्थना सभा का जो गठन था, उस प्रार्थना सभा के गठन के बाद दूसरी विधि दाढ़ी आने का होता है। और दाढ़ी सभी श्रद्धालुगण पहुंच चुके हैं, और अब मैं चलूंगा दाढ़ी की ओर और आगे का जो विस्तृत जानकारी पहान बाबा जी बताएंगे कि वो किस विधि के द्वारा आगे पूजा पाठ करते हैं। जय धर्म, जय धर्म।
हे सदर में हे आदि शक्ति माने निघ है माया अकर रही हे सदर में निर्के मिर्खा चंदो बीड़ी बिनको मने मासे कमच के हे आदि शक्ति शनि कुहा जिया जंतु ए मार हदरिन उदर तार की ओसा पर्दा लगदे आशीष दुआ जिया लगदे हे चलायो दया ननय ए मनिंगन मुधार की उरखा गही गडीनु खतर काम रगदम हे सधर में एम जियंता कासा हिंसगा कोटगा करना लुड़ना तरकुटी ननारे की निगह सद धर्म बेला जोड़गर चोना शांति खोलहा चियारे की ईसो से राजी नो निगह राजी कुंडी राजी चला राजी मनाने का एम शनि अलार गही उमा मिना ए मैया एक चिया जय धर्म सब माथा टेकिए सरना से वहां सामान सजा करके और जितना भी मेरा माँ बहन है वहाँ भी सरना स्थान में लोटा रखते हैं और जो भी काम के लिए आते हैं वहाँ पर पुकारते हैं और वहाँ से आते हैं हम लोग दाढ़ी में साफ सुथरा करके जैसे कि अभी देख रहे हैं कि जितना माँ बहन लोग कोई भी जाति कोई समाज के आदमी हैं जिनका काम हुआ है उनके नाम पर यहाँ पर जो है वो चढ़ा रहे हैं चला धर्मेश के चरण में इस झंडा में जो है मैंने जैसे हम लोग जो है सिंगार और सजाते हैं वैसे चला धर्मेश के उस झंडा में जो है वास हो जाता है और उनके चरण में जो है विधि विधान करके जो है पाहन के थ्रू वो जो है जमीन में धरती माँ को आंचर में हम लोग सौंपते हैं। यही है बहुत दूर दराज से लोग आते हैं सब जाति के लोग आते हैं और अभी हम लोग जो है अभी प्रवचन करके जल उठाएंगे और हम लोग को जो है अभी कुछ तो पीछे आए हैं उन लोग को एक पहान शुद्धि कर रहे हैं डंडा को और पहले भी हम लोग एक जो पहले आए हैं उनका डंडा हम लोग शुद्धि कर लिए हैं तो उसके बाद हम लोग प्रवचन करके ही जल उठाएंगे उसके बाद शुरू होगा यहाँ का पूजा पाठ जितना विधि विधान है। ठीक है बाबा एक चीज पूछना चाहते हैं बाबा कि हाँ। इसमें लगभग हर बृहस्पतिवार के दिन ये पूजा विधि किया जाता है माता सरना के लिए हाँ तो इस पूजा विधि में लगभग कितने तादाद में श्रद्धालुओं का भीड़ इकट्ठा होता है माता सरना के लिए? यहाँ कहना बहुत ये है कि कितना लोग आते हैं लेकिन बहुत अच्छा भीड़ रहता है यहाँ पर और सब जाति के लोग आते हैं और अभी देखिए इसमें सच्चाई शक्ति है और अभी पूरा झारखंड में और पूरा देश में इस चला धर्मेश को याद किया जा रहा है और याद करने के पश्चात जो है पहले जो है सरूल करते थे उसमें तो सच्चाई शक्ति था ही पुरखा लोग जो किए हुए थे लेकिन शक्ति को देख नहीं पाते थे इतना जानते थे कि बहुत बड़ा शक्ति है लेकिन जो बृहस्पत का हम लोग जो पूजा जो कर रहे हैं ये सादा पानी है कच्चा पानी है तीन चुरुआ जो है हम लोग देते हैं जिनका श्रद्धा विश्वास होता है फल फ्रूट देते हैं गुड़ मिश्री चना ये सब चढ़ाते हैं और जिनका अगर सर नहीं है तो कच्चा पानी ही और तीन दफे जो है देते हैं और तीन दफे जो है धुमन को ही जलाते हैं दूसरा चीज़ है धुमन के ही जलाते हैं और प्रकृति का जो है गच वृक्ष से जो जन्मा है धुमन उसी से जो हम लोग जो है चढ़ाते हैं और देखिएगा आप भी देखते होंगे चाहे जितना भी माँ बहन लोग देखे होंगे कि देखिए राउल केला और जो है वहाँ पर दर्शन दिए हर जगह पर पूरा झारखंड में ये जो हम लोग पहचान देते हैं सफ़ेद और लाल इसमें चला धर्मेश के वास होता है और सब जगह जो है दर्शन देते हैं और जो आकर के जो है आपका इटकी में जो है कुंदी बस्ती में एक माँ बहन के हियाँ जो है सूरज चांद तारा पेड़ सरना माँ का फोटो सारा चीज़ वहाँ दर्शन दे रहे हैं तो सब जगह इसमें सच्चाई शक्ति है और इस सत्य का पूजा है सच्चाई के पूजा है और सब जाति के लोग आते हैं सबको मनोकामना यहाँ पर
पूर्ण होता है। विश्वास करके आते हैं वो निराश, और अगर छल कपट नहीं करे और निराश हो गए हैं, वो भी काम से निराश हो गए हैं, कोई उसको सुझाव नहीं दे रहा है कि हम अब कहाँ जाएंगे, तो इसी लोग आते हैं, कोई भी जाति समाज के आते हैं, उनका काम एकदम तुरंत हो जाता है। ये यहाँ का सच्चाई शक्ति है और इस धर्म में ये सच्चाई शक्ति है। ठीक है, जय धर्म। सब माँ बहन लोग उठिए, शुद्धि कर लिए, खड़ा होइए, हम लोग आप प्रवचन करेंगे। माँ बहन लोग आप लोग उठिए, आप जो काम के लिए हैं वो काम को लिए जो है आप लोग याद कीजिए। यहाँ पर उठ जा। तो बाबा लास्टली दर्शकों को आप ये बताइए कि दाढ़ी में जो झंडा गाड़ा गया, जिनका मुराद पूरा हुआ था, पहला झंडा दाढ़ी में गाड़ा गया और उसके बाद जो दो झंडे और थे वो कहाँ मतलब श्रद्धालु घन गाड़ेंगे? सबसे पहले जय धर्म। मेरा यहाँ सारू बेरा सिबुटोला में आए इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद, आभारी हूँ। धन्यवाद बाबा। और ये स्थल जो है शक्ति स्थल चला धर्मेश के नाम पर, हम लोग जो है धरती के नाम पर, और धर्मेश जो बोलते हैं सूरज भगवान, हम लोग पिता के रूप में, ये हम लोग का पुरखा लोग जो है, ये सूर्य से जब से धरती सृष्टि हुआ तब से हम लोग का पुरखा लोग इस धरती माँ को पूजा किए हैं, अनाज पानी हवा पानी के लिए, और सूरज भगवान पिता के रूप में हम लोग जो है सेवा करते आ रहे हैं हम लोग पुरखा लोग, और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आज हम लोग जो है बीच में जो है ऐसा अज्ञात हुआ धर्म गुरु धर्म प्रचारक लोग को कि नहीं साल में हम लोग क्यों पूजा करेंगे, हम लोग बृहस्पति के एक दिन जाएंगे, उनके नाम पर जो है सादा पानी कांचा पानी है, तीन चुरबा डाल देंगे उनके चरण में, और जो है जिसका जिस तरीका से उनका श्रद्धा विश्वास है अगर देने का है तो पर प्रसादी चढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट गुड़ चना मिश्री ये सब पहले पुरखा लोग चढ़ाते थे वही चीज़ चढ़ाना है, धुमन जलाना है, अगरबत्ती नहीं धुमन हम लोग जलाते हैं, चाहे प्राकृतिक से सखुआ का पेड़ से वो मैंने निकला हुआ धुमन उसी को हम लोग जलाते हैं। तो यहाँ सब जाति के लोग आते हैं, अंसारी लोग भी आते हैं यहाँ पर, और सबों को मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होता है। और अभी देखते होंगे कि हर जगह पर हम लोग को बीच में चला धर्मेश जो हम लोग पहचान देते हैं सफ़ेद और लाल पहान, वो झंडा को पकड़ते हुए पहान उसको श्रृंगार करते हुए उसमें चला धर्मेश का मने परछैया आवास हो जाता है उस झंडा में, और वो झंडा जो है कि उनके चरण में नाम लेकर के दिया जाता है, जिसका जिसका काम होता है, जो काम समस्या लेके आते हैं उनका जो है दाढ़ी से हम लोग शुरुआत करते हैं, वहाँ पर प्रवचन करके जल उठाते हैं, वहाँ विधि विधान से पूजा करके वहाँ भी झंडा देते हैं लोग, जिनका काम हुआ है उनका झंडा वहाँ पर लगता है, और फिर यहाँ पर जो है सब इकट्ठा होकर के जो है परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, और जिनका जिनका जो मनोकामना पूरा हुआ है उनका नाम पर फिर झंडा यहाँ पर सरना स्थल में दिया जाता है। और एक झंडा है आपका गुमद जो है, गुमद में जो है वहाँ पर एक झंडा दिया जाता है, ये तीन झंडा लगता है। तो ये है चला धर्मेश का पहचान, हर जगह दर्शन दे रहे हैं, चांद सूरज तारा है ना, सब जगह दर्शन दे रहे हैं, हम लोग को बीच में विश्वास जगाने के लिए आए हैं कि हम अभी कलयुग है लेकिन हम आए हैं आप लोग बीच में सेवा करो, सबको हम कल्याण करेंगे, तो सब जाति के लोगों पर यहाँ आते हैं और सबको मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है, बशर्ते विश्वास करके जो आते हैं, और कोई ट्राई करने के लिए आएंगे तो भाई वैसा नहीं होगा, इनको विश्वास करना। यहाँ देखिए ये गछे है, अब देखिएगा गछ है लेकिन इसमें जीता जागता है, इसमें जान है प्राण है, इसमें कोई इसमें किसी तरीका से मूर्ति या किसी तरीका से नहीं है, इसमें जीता जागता उसमें जान है। वो हम लोग चार पेड़ में सखुआ बर पीपर करम में हम लोग जो है चला धर्म इसको हम लोग याद करते हैं, और वहाँ तीन चुरुआ पानी डालते हैं, और सबको दुख का दूर होता है, सब जाति के लोग आते हैं, पूरा झारखंड में इसका पूजा हो रहा है, उड़ीसा बंगाल असम भूटान नेपाल सब जगह इनका अभी
पूजा सब जगह हो रहा है, सब जगह दर्शन दे रहे हैं कि सबको हम कल्याण करेंगे, विश्वास करो और सेवा करो। तो सब जगह के लोग आगरा दीदी व पूरा झारखंड लेवल से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर जितना मंत्री लोग हैं, आपका जो भी अच्छा अच्छा मंत्री लोग हैं यहाँ पर, बहुत सब मंत्री लोग आए हैं माथा टेकने के लिए और सब जाति का सब धर्म के लोग आते हैं। इतना ही कहते हैं कि अभी देखिएगा, परिक्रमा करेंगे, प्रथा विनती करेंगे और ये आपका शुरू होगा। तो जय धर्म यही है, अभी आप ले लीजिएगा, इतने बोल के जय धर्म। तो यही था दोस्तों इस सरना स्थल का जो सच्चाई जो महान बाबा बताएं। और ये दूसरा पार्ट मैं आप सभी दर्शकों के लिए लाया हूं और बाकी का जो रिमेनिंग जो भी कुछ रह गया होगा वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पहान बाबा, जो इतनी विस्तृत जानकारी आपने दर्शकों को दिया। और इसी के साथ इस ब्लॉग की समापन की ओर मैं चलता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो आपके समक्ष रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इन फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके समक्ष रख सकूं। धन्यवाद।